Hello assalam alaikum everyone, How are you all? first of all happy Ramadan to everybody, may this month of blessing bring happiness and peace in our life and after that welcome to another video all the way from Sharjah International Cricket Stadium, United Arab Emirates. Yes, bilkul Afghanistan is all set to host Pakistan in 3 T20I matches 24, 26 and 27 March. And here we are sharing the latest update video and preparations of Sharjah Cricket Stadium, Afghanistan Pakistan ko host karega, jaise kya inshallah Afghanistan ka bhi ek din apna home ground ho West of Afghanistan ka bhi wahan unke अपना स्टेडियम है वो अपनी क्रिकेट लीग बगीजा क्रिकेट लीग भी होस्ट करते हैं हर साल और उनकी अपनी अंडर नाइनटीन सिक्सटीन लेवल की क्रिकेट भी अपनी कंट्री में होस्ट हो रही होती है लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तो फिर अफगानिस्तान को यू का सहारा लेना पड़ता है या फिर इंडिया का एज अ होम ग्राउंड यूज करने के लिए इससे पहले इंडिया के स्टेडियम्स भी अफगानिस्तान अपने होम स्टेडियम्स के तौर पर यूज किया करता था जिसमें मुझे एक आना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का वो एक नाम याद है इसके अलावा भी एक था बट कोई नहीं लास्ट टाइम जब एशिया कप में राइवलरी हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वो आपने देखा फिर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भाई क्या ही मैचेस गए थे और फिर जो पाकिस्तान ने विन किया था तो यकीन इस सीरीज़ का भी काफ़ी मज़ा आने वाला है लेकिन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी एक तरह से बी टीम भेज रहा है क्योंकि ना बाबर आज़म है मोहम्मद रिजवान नहीं है शाहिन शाहफरीदी नहीं है मेरे ख्याल में नसीम शाह है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लेकिन नए प्लेयर्स को खिलाया जाएगा जो पी एस एल की प्रोड्यूस है पी एस एल एट की सैम मयूब हो गए एहसान पुराने प्लेयर्स आज़म खान माद वसीम वो कम बैक करेंगे खैर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें और इससे पहले मैं जो न्यूजीलैंड का टूर है वो भी कवर कर चुका हूँ अफगानिस्तान का ये मैंने कवर तो कर लिया था लेकिन इस तरह लाइव वहाँ से अब डेट्स प्रेपरेशन इस तरह की कोई वीडियो शेयर नहीं की थी सो so नाउ अब हम इंटरनेशनल भी जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है लाइक तो बनता है वहां से अपडेट्स आपके साथ शेयर की जा रही है तो यकीन बड़ी बात है लाइक कर दिया करें आप तो कंजूस ना बने वहां से आपके साथ अपडेट शेयर की जा रही है दुबई में तीन बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेरे नॉलेज के मुताबिक जो दुबई का क्रिकेट स्टेडियम है एक शारजा क्रिकेट स्टेडियम और एक अबू धाबी का ये तीन स्टेडियम ज्यादातर यूज किए जाते हैं और भी होंगे लेकिन ज्यादातर इन्हीं तीनों को देखा गया है जो टी ट्वेंटी लीग हो गई फ्रेंचाइज क्रिकेट हो गई इंटरनेशनल मैचेस हो गए इवन आप तो एशिया कप भी अगर किसी कंट्री में होस्ट ना हो रहा हो जैसे श्रीलंका होस्ट होस्ट थी तो उन्होंने यू का सार लिया अक्सर इंडिया भी जब इंडिया में कोई टूर्नामेंट होस्ट ना हो रहा हो तो वो यू दुबई ज्यादातर दुबई क्रिकेट स्टेडियम को यूज़ किया जाता है फिर शारजा को और फिर अबू धाबी को तो पाकिस्तान भी अक्सर अपने होम सीरीज जो है वो यहाँ पे होस्ट करता रहा जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन थी या इस तरह आने वाला जो एशिया कप है उसके ज्यादा चांसेस लोग कह रहे हैं कि यू में होस्ट हो सकता है तीन स्टेडियम जिन्हें अबू धाबी शारजा एंड दुबई में इसको लेकर एशिया कप की भी थोड़ी सी डिस्कशन होगी बाकी ये सामने पेजेस हैं इसको कवर किया हुआ है इन पे ये टी ट्वेंटी आई सीरीज खेली जाएगी और पूरा बाकी तो आउटफील्ड रेडी है यूएई के स्टेडियम्स ऑलवेज रेडी रहते हैं या तो कोई आई सी या ए का टूर्नामेंट होस्ट हो रहा होता है अगर वो ना हो तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल ही तो फ्रेंचाइज तो ऑलवेज यहाँ पे किसी ना किसी कंट्री की या दुबई की कोई भी लीग यहाँ पे होस्ट हो रही होती है ये वीडियो पूरी देखनी है इतनी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं तो पूरी एंड तक देख लिया करें ताकि सारी इन्फो भी मिल जाए करें और ये जो प्रेपरेशन चल रही है इसका भी आपको अपडेट हो जाए खैर प्रेपरेशन आप सामने वीडियो में साथ साथ नोटिस करते जाए मैं बाकी की इफॉर्मेशन थोड़ा बहुत इस स्टेडियम की हिस्ट्री भी शेयर कर देता हूँ ज्यादा उस हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा सिर्फ एक ही बेस्ट एंड हिस्टोरिकल मोमेंट अगर शेयर करूँ तो ये वो आपके माइंड में भी होगा बिल्कुल जावेदमी आदाद का लास्ट बॉल पे छक्का इंडिया के अगेंस्ट करके स्टेडियम को जब भी याद किया जाता है तो स्टेडियम के साथ जावेदमी आदा का नाम जोड़ा जाता है सो so ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो गया बाकी ये स्टेडियम कब बना यहाँ पे कपेसिटी कितनी है वो ऑलरेडी एक बार मैं शेयर कर चुका था बहुत पहले अगर वो वीडियो अभी पब्लिश हो बाकी आप विकीपीडिया पर इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है बोरिंग नहीं करेंगे वीडियो को आपके साथ एक्सक्लूसिव लेटेस्ट शॉर्ट शेयर कर देते हैं और बाकी प्रेपरेशन तो जो बाहर साइड पर बैनर्स हो गए या जो एडवर्टाइजमेंट है वो की जा रही थी डिजिटल बाउंड्री इंस्टॉलेशन पूरी कर दी गई थी यहाँ पे एंड ओवरऑल स्टेडियम को अफगानिस्तान सजा रहा था क्योंकि अफगानिस्तान होस्ट है बैनर्स वगैरह लगाए हुए थे साइड जो राइवलरी है उसको किया हुआ था नसीम शाह फजल फारूकी है, उन दोनों की पिक्चर लगा के वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी इसलिए कह रहा हूँ आखिर तक कंटिन्यू रखें वीडियो को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का वेलकम भी किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड पहुंच चुका है यूएई और कैप्टन आपको पता है शादाब खान है बाकी तमाम बड़े नाम जो है वो रेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान नए प्लेयर्स को मौका देने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट छोटी टीम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के इसलिए नए प्लेयर्स खिला रहा है लेकिन टी में किसी टीम को भी छोटा मत लें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस किया है और राशिद खान कैप्टन है पहले मोहम्मद नबी हुआ करते थे अब राशिद खान वापस कैप्टन हो गए टी ट्वेंटी आई के और इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है कि जो पी एस एल में खेल के गए हैं पी एस एल एट में अभी खेल के गए अफगानिस्तान प्लेयर्स उनको भी इंक्लूड किया है और तमाम बड़े नाम आपको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में देखने को मिलेंगे रामान्ला गुरबाज हो गए अभी खेल के गए हैं राशिद खान मोहम्मद नबी और फजल फारूकी जितने भी प्लेयर्स थे जो पी एस एल खेलते रहे अफगानिस्तान को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना और जो पिछला मैच हुआ था जो नसीम शाह ने लास्ट ओवर में आकर विन कराया था वो उनके माइंड में अभी भी वो बदला लेने को तैयार है दूसरा बहुत से लोग है के साथ करा कर, वैसे तो जो थ्री ओडीआई की सीरीज थी वो होनी थी लेकिन वो आगे होगी एक एक्स्ट्रा सीरीज दी गई है टी ट्वेंटी आई की वैसे तो ओडीआई होनी चाहिए थी बहुत से लोग ये भी कहते हैं क्योंकि आगे एशिया कप भी फिफ्टी ओवर्स का फिर आगे आईसीसी वर्ल्ड कपिटी ओवर्स का इंडिया में सो राइट आफ्टर पी एस एल एट अफगानिस्तान के साथ ही थ्री टी ट्वेंटी गुड साइन है क्योंकि बात माइंड में रखें आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल ए की एक फाइनल मीटिंग आ रही है और आपको पता है कि तमाम तरह क्रिकेट बोर्ड्स को अपने साथ साथमद में लेना यह पी के लिए ज़रूरी है क्योंकि पिछली जो मीटिंग हुई थी नजम सेठी के मुताबिक अभी रिसेंटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाकी बोर्ड्स फ़िलहाल खामोश हैं बी का तो मौकाफ तो आपके सामने है वो कह रहा है कि हमारे मैचेज़ न्यूट्रल वेन्यू पे हो बल्कि पूरा एशिया कप ही न्यूट्रल वेन्यू पे हो सो मोस्ट प्रोबली यू डिसाइड किया जा सकता है लेकिन फाइनल मीटिंग अभी होनी है एंड मीटिंग से पहले अफगानिस्तान के साथ ये सीरीज़ हो गई है तो यकीन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में पाकिस्तान का साथ देगा अगर अब भी साथ ना दिया और इंडिया का साथ दिया जैसा कि आपको पता है ऑलवेज अफगानिस्तान और इंडिया हर प्लेटफॉर्म पे एक साथ नजर आते हैं जहां तक मैंने नोटिस किया है इंडियन व्यूअर्स भी मेरी वीडियो देख रहे होते हैं आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे अगर आप न्यूट्रल होकर सोचें तो बीसीआई कुछ नहीं कहता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ नहीं कहता दोनों क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं फैंस भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हो एंड इस तरह से एशिया कप भी एक दूसरे की कंट्रीज में हो लेकिन सारा काम गवर्नमेंट साइड की पॉलिटिक्स से खराब हो जाता है और ज्यादातर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी पॉलिटिक्स इन्वाल्व होती हैं क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी क्लियर कह रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड इन्वाल्व करेगा गवर्नमेंट को तो फिर इस साइड पर मजबूरन गवर्नमेंट इन्वाल्व करनी पड़ेगी और फिर पाकिस्तान भी गवर्नमेंट के ग्रीन सिग्नल को देखेगा आई सी सी फिफ्टी ओवर के वर्ल्ड कप को लेकर और एशिया कप पाकिस्तान होस्ट है उसको लेकर तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान एक बड़ी टीम अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलने को तैयार हो गया इससे पहले आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट कर लिया था जो भी वहाँ अफगानिस्तान में चल रहा था वुमेंस क्रिकेट के राइट्स को लेकर और टेस्ट मैच सीरीज थी वो भी पुल कर लिया था टी आईस भी नहीं खेले मेरे ख्याल में लेकिन जो ए सीसी की मीटिंग होगी यह चलू सब अफगानिस्तान को आगे एसी की फाइनल मीटिंग में एशिया कप पाकिस्तान होस्ट को लेकर मस्ट पाकिस्तान का साथ देना होगा इस मामले में अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे हटी तो यकीन फिर पीसीबी कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ बाकी नो डाउट अफगानिस्तान ने बहुत अच्छे से वेलकम है स्टेडियम को सजाया सामने आप देखें थ्री मैच टी ट्वेंटी शादाब खान की पिक्चर राशिद खान की पिक्चर मोहम्मद नबी एन नसीम शाह फजल फारूकी बड़े कांटेदार मैचेस हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तान की भी कुछ नए प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के सारे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ऑलमोस्ट दोनों टीमें एक जैसी हैं एंड टी क्रिकेट में किसी भी टीम का भरोसा नहीं किया जा सकता एंड तो सीरीज के लिए अफगानिस्तान की ये हैश टैग है तो कल से यहाँ बाकायदा आगाज हो जाएगा पहले टी आई मैच से और बताइएगा फिर कौन विन करने जा रहा है थ्री टी ट्वेंटी आई मैचेज में दोनों टीमों के स्क्वाड को देखकर कमेंट कीजिएगा बाकी आज रात को शारजा क्रिकेट स्टेडियो डियम में ट्रॉफी अनुविलिंग भी कर दी गई थी राशिद खान भी किट में मौजूद थे शादाब खान भी और पॉसिबल हुआ तो उसकी भी एक अपडेट आपके साथ जल्द शेयर कर दी जाएगी वैसे आपको सिर्फ अपडेट करना था सीरीज के बारे से इनशाला कोशिश करेंगे जब न्यूजीलैंड भी आए तो उसका भी कवर करें वो इनशाला पूरी कोशिश है बस आपने स्टेट यून रहना है और जब वीडियो शेयर कर दी जाती है तो बस पूरी वॉच कर लिया करें बस ये आपने करना अपनी साइड से एंड लाइक कर दिया करें बाकी इनशाला मेरी तरफ से इस तरह एक्सक्लूसिव अपडेट्स आती रहेंगी आगे फिफ्टी ओवर्स वर्ल्ड कप आ रहा है आईसी का एशिया कप आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आगे आने वाला है बस आप चैनल के साथ स्टेट यून रही है आज प्रैक्टिस सेशन भी हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अफगानिस्तान तो बहुत पहली सी, में है वो वहां पर प्रैक्टिस कर रही थी पूरा तो काफ़ी एडवांटेज है बल्कि बाकी प्लेयर्स के लिए भी एडवांटेज है वो भी खेल के गए हैं चैंपियन रही है सो एक एडवांटेज है इस वीडियो के लिए इतना ही आपको अपडेट करना था शारदा क्रिकेट स्टेडियम से जो अपडेट्स रह गई वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही मीडिया हैंडल्स पर आगे कर ले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़ एंजॉय द सीरीज़